हेलो गाइज, वेलकम बैक टू फुटबॉल समाचार यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ एक क्विक प्रीव्यू ऑफ द मैच बिटवीन एफसी गोवा एंड ईस्ट बंगाल। सो गाइज, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सो द मैच नंबर 65 इन द ऑनगोइंग इंडियन सुपर लीग सीजन 8 होने वाला है बिटवीन एफसी गोवा एंड ईस्ट बंगाल। ये मैच खेला जाएगा टूडे एट द GMC एथलेटिक स्टेडियम इन बेंगोलिम। ये मैच स्टार्ट होने वाला है फ्रॉम 7:30 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड आप ये मैच लाइव देख पाएंगे ऑन स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क, हॉटस्टार एंड JioTV पर। सो अब बात करते हैं एफसी गोवा के बारे में। सो एज यू नो, एफसी गोवा ने कुछ स्टेबिलिटी पाया है एज वो अनबीटन है इन देयर लास्ट 3 गेम्स। जैसा कि आप देख सकते हो, एफसी गोवा करेंटली है इन द 9th पोजिशन ऑफ द लीग टेबल विथ 13 पॉइंट्स फ्रॉम द 11 मैचेस दे प्लेड सो फार। एंड एफसी गोवा काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अंडर द न्यू हेड कोच डेरिक पेरेरा। एंड अगर वो इस मैच को जीत पाते हैं देन वो काफ़ी ऊपर पहुंच जाएंगे एंड द गैप बिटवीन द टॉप 4 टीम्स काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा। सो अब बात करते हैं एफसी गोवा के पॉसिबल लाइनअप के बारे में फॉर दिस मैच। सो एफसी गोवा इस मैच में 3-4-3 फॉर्मेशन में लाइनअप कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, गोलकीपर होंगे धीरज सिंह, सेंटर बैक्स लिएंडर डी क्यूना, अनवर अली एंड आइवान बा डॉलिंग, मिडफील्डर्स एलेक्जेंडर रोमारियो जेसुराज, प्रिंस्टन रेवेलो, ग्लेन मार्टिन्स एंड एल्बर्टो नोगुएरा, राइट विंगर आयरम कैब्रेरा, लेफ्ट विंगर सेबियर गामा एंड फॉरवर्ड होर्गे ऑर्टिज। सो अब बात करते हैं ईस्ट बंगाल के बारे में। सो एज यू नो, ये ईस्ट बंगाल का एक फॉरगेटेबल सीजन है एज वो अभी तक अपना पहला विन रजिस्टर नहीं कर पाए है ऑफ दिस सीजन। जैसा कि आप देख सकते हो, वो करंटली है इन द बॉटम ऑफ द टेबल with only 6 points from the 11 matches they played so far. However, under their interim coach रेनेडी सिंह, टीम ने लास्ट कुछ मैचेस में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। However, वो उन मैचेस से फुल पॉइंट्स नहीं ले पाए थे एंड अब उन्होंने साइन किया है मारियो रिवेरा को वंस अगेन एज देयर हेड कोच। सो लेट्स सी ईस्ट बंगाल इस मैच में कैसे परफॉर्म करते हैं अंडर देयर न्यू हेड कोच। सो अब बात करते हैं ईस्ट बंगाल के पॉसिबल लाइनअप के बारे में फॉर दिस मैच। सो ईस्ट बंगाल इस मैच में 4-1-4-1 फॉर्मेशन में लाइनअप कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, गोलकीपर होंगे अरिंदम भट्टाचार्य, राइट बैक अमरजीत सिंह कियाम, सेंटर बैक अंकित मुखर्जी एंड आदिल खान, लेफ्ट बैक हीरा मंडल, डिफेंसिव मिडफील्डर सौरभ दास, राइट मिडफील्डर एल नामते, सेंट्रल मिडफील्डर्स एंगव साना एंड जैकी चंद सिंह, लेफ्ट मिडफील्डर आमिर डेरबिसेविच एंड फॉरवर्ड सिम्बॉय हाउकिप। सो अब बात करते हैं दोनों टीम्स के हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में। सो एफसी गोवा एंड ईस्ट बंगाल ने टोटल 3 टाइम्स फेस किया है अगेंस्ट ईच अदर इन द ISL प्रीवियसली एंड इस हेड टू हेड रिकॉर्ड को एफसी गोवा लीड करते हैं विथ 1 विन इन द रेस्ट टू फिक्चर्स खत्म हुए थे इन ड्रॉस। सो बोथ एफसी गोवा एंड ईस्ट बंगाल चाहेंगे टू गिव देयर बेस्ट एंड गेट ए पॉजिटिव रिजल्ट फ्रॉम दिस मैच। आपको क्या लगता है कौन सी टीम इस मैच को जीत सकते हैं? आप अपना प्रिडिक्शन एंड थॉट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सो गाइस, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिए।